वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम प्ले के साथ में, और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद होगा हम लोगों ने ये वाली डॉज चार्जर खरीदी थी, जो कि काफी महंगी थी, मतलब इतना ज्यादा महंगा भी नहीं था। हमने ये वाली गाड़ी जो है ना ऑक्शन से खरीदी थी, एंड आज जो है ना मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो है ना इस गेम की सबसे महंगी गाड़ी पोर से खरीद पाऊं। अब पता नहीं यार पोर्च मिलेगी या नहीं मेरे को, वैसे मैंने देखी थी एक बार, अब यार मिलनी तो चाहिए। खैर अभी ना यहाँ से निकलते हैं ऑफिस की तरफ, क्योंकि मेरे को ना अभी यार बिल भी पे करना है। मैं सोच रहा हूँ बिल भी पे कर लेते हैं, एक बार देखेंगे सबसे पहले बिल को, अगर यार बिल सस्ता होगा ना तो मतलब पे कर देंगे, नहीं तो हम लोग अभी नहीं करने वाले। बाकी यहाँ पे ना हम लोग आज ड्रैग रेस करके आते हैं एक बार, चलो लेट्स गो भाई। डॉज चैलेंजर के साथ ना रेस करने में अलग ही मजा आएगा, तो इसके साथ एक बार लगा देते हैं रेस। बाकी ये कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहा है, बट चलो रेस करके देख लेते हैं इसके यार मैप कहाँ में बदल पाता। ओह गाइस आ चुके हम लोग ड्रैग रेस में, एंड आज जो है ना मैं ये वाली रेस जीतने वाला हूँ भाई, चाहे कुछ हो जाए। वैसे तो मैं जीत चुका हूँ एक दो बार, बट अभी जो है ना मेरे को सही टाइम पे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुक जा भाई, इससे आगे तो मेरे को कतई नहीं बढ़ना है। चलो अभी गाड़ी जो है ओके है, ये देखो बिना कुछ किए मैं लूज हो गया भाई, पता नहीं कैसे भाई मैं हार कैसे किया, मेरी समझ में नहीं आया। सेकंड पोजीशन आ चुकी है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खैर हम लोग वापस चलते हैं सिटी में, एंड यार देखते हैं हमारे पैसे कितने कम हुए हैं। वैसे यार मेरे को लगता तो नहीं है पैसे ज़्यादा कुछ कम हुए होंगे, क्योंकि 200-400 हुए होंगे शायद से। चलो कोई बात नहीं, 400 तो होते ही रहते हैं। वैसे अभी जो है ना हम लोग यार क्या कर सकते हैं, अभी रुको इस वाली गाड़ी को मैं बेच दूँ क्या? हाँ इस वाली गाड़ी को हम लोग बेच देते हैं, सेल पे लगा देते हैं। एंड मेरे को यार अभी यार बिल भी पे करना है, तो बिल भी पे करेंगे। बाकी यहाँ पे देख रहे हो भाई ऑफिस जो है ना बहुत गंदा हो रहा है, और ये जो है सफाई वफाई तो कुछ करता नहीं है। सबसे पहले मैं इस वाली गाड़ी को सबसे पहले हम लोग बिल को देख लेते हैं कितना बिल आया हुआ है। अगर बिल सस्ता आया होगा ना तो पे कर देंगे। 28 चलो कर दे क्या, वैसे कर ही देता हूँ, चलो लेट्स गो। अभी यार बिल तो मैंने पे कर दिया है, बाकी मेरे पास 4 लाख बच चुके हैं। अभी ना मैं ये गाड़ी को ना सेल पे लगा देता हूँ, ताकि हम लोग जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके और एक अच्छी खासी गाड़ी खरीद सके। बाकी मेरे पास मर्सिडीज कहाँ पे है पता नहीं यार, मेरे को याद भी नहीं। ओ अब समझ में आया, शायद से ये जो मर्सिडीज है ना वो मैंने रिपेयर शॉप पे छोड़ी थी, अभी उसको भी लाएंगे। सबसे पहले ना इसको मैं लगा देता हूँ, 47 की थी है, और इसको ना मैं थोड़ा बहुत ईजी प्राइस मतलब अच्छे प्राइस में बेचने वाला हूँ, 95,000 कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक है, यार नहीं आएगा तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे फोटो वोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अभी सेल पे लगा दिया है। इधर से हम लोग निकलते हैं सीधा अपने रिपेयर शॉप में निकलते हैं अभी जल्दी से, चलो लेट्स गो। जल्दी चलते हैं गैस स्टेशन में, गैस स्टेशन के सामने ही है अपना रिपेयर शॉप, और यहाँ पे देखो ये रही अपनी मर्सिडीज जो कि नई नई गाड़ी आई हुई है इसमें। अभी इसको ना रिपेयर के लिए लगा देता हूँ मैं, देख लेते हैं भाई कितने पैसे लगते हैं भाई। $440 लग रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद से इसमें, देख लेते कितना टाइम लगता है। वैसे लेफ्ट फेंडर ख़राब हुआ है इसका, एक राइट फेंडर, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी इसको मैं ज़्यादा कुछ कराऊंगा नहीं, क्योंकि सफाई वफाई सब अपना एम्प्लॉय करेगा, तो यार हम लोग ना उसको पैसे नहीं देने वाले हैं। खैर अभी तो हो जाना चाहिए यार भाई, जल्दी कर ले थोड़ा, यार बहुत देर लगाता है। मेरे को ना इसकी स्किल यार ओपन करनी पड़ेगी, ताकि यार ये लोग ना थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाए। वैसे यार पैसे बहुत ज़्यादा लग जा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिख रही हैं क्या मेरे को? ओके तो अभी जो है ना हमारा व्हीकल रिपेयर हो चुका है, निकलते इधर से अपने ऑफिस के लिए, ताकि यार हम लोग ना इस वाली गाड़ी को भी सेल पे लगा पाएँ और हम लोग ना एक अच्छी खासी गाड़ी को खरीद पाएँ। यार मेरे को ना भाई इनसे ना प्रॉफिट अच्छा खासा चाहिए, ताकि यार हम लोग ना एक 5-6 लाख की गाड़ी खरीद पाएँ, जो कि पोर्शे है वो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इस वजह से ना मैं यार इन वाली गाड़ियों को थोड़ा बहुत महंगा लगा रहा हूँ। खैर अब लोग आ चुके हैं अभी ऑफिस में, एंड इस वाली गाड़ी को ना मैं जल्दी से सेल पे लगा देता हूँ, ताकि यार हम लोग ना मार्केट से एक अच्छी खासी गाड़ी खरीद सकें। ये 57 की दिखा लिटरली गाइस काफ़ी महंगी है, 1 लाख का लगा देता हूँ मैं, हो गया ना 1 लाख। हाँ चलो अभी इसको लगा दिया मैंने सेल पे, चलो अभी दोनों गाड़ी को मैंने लगा। अबे ये कैसे चलता है बे, अंधेड़ा कहीं का मतलब, यार देख रहे हो भाई गाड़ी कोई खिसका दे रहा है। खैर यार मैं सोच रहा हूँ ना आज जो है हम लोग सबसे पहले ऑफिस ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद ना हम लोग सोने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा यार मार्केट भी ओपन नहीं है, ना ही ऑक्शन ओपन है, और 4 जो है ऑलरेडी बच चुका है। तो निकलते हैं इधर से कंटेनर के लिए, क्योंकि कंटेनर में मेरे को सोना पड़ेगा, और सुबह के टाइम में हम लोग यहीं पे आएंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कार मार्केट में, ताकि हम लोग वहाँ से एक पोर्शे खरीद पाएँ। ओके गाइस आ चुका हूँ मैं अभी कंटेनर साइड में, एंड अभी ना जल्दी से सो जाते हैं, बाकी इसमें एक छेद नहीं है यार ये, चलो सो जाते हैं जल्दी से। वैसे गाइस यार आज जो है ना ऑक्शन ओपन होने वाला है,
तो मैं सोच रहा हूँ ना, सबसे पहले तो यार हम लोग चलते हैं ऑफिस में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है कस्टमर आ चुके हैं अपने, उनको गाड़ी भेज देते हैं और उसके बाद ना हम लोग सीधा चलेंगे ऑक्शन में। ऑक्शन यार भाई 3 बजे स्टार्ट हो रहा है आज, थोड़ा बहुत तो जल्दी हुआ। कम से कम यार 11-12 बजे स्टार्ट होता तो ठीक रहता, बाकी ये भाई गाड़ी सफाई करने में लगा रहता है भाई, घंटों लगा देता है सफाई करने में। खैर कोई बात नहीं, अभी इससे बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सही सही प्राइस में ये वाली गाड़ी को ले जा, पूरी रिपेयर है, बस थोड़ा बहुत डर्टी है, इसको एक क्लीन भी नहीं किया साला। चलो देख लेते हैं। वो भाई 1 लाख में लिटरली ले जा रहा है इस वाली मर्सिडीज को, मर्सिडीज ई कॉप पता नहीं कौन सी है, बट ये बोल रहा है कि ना आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द सेम प्राइस। लिटरली गाइस ये तो भाई मजे वाली बात हो गई। चलो अभी ना इसको यार बार्गेन कर ले क्या? नहीं, बार्गेन करने की जरूरत है क्या वैसे? रुको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, 1,05,000 कर लेके देख लेते हैं एक बार। 1,05,000 ना हो गया? नहीं ये 50 हो गया यार भाई, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। देखो 5, अब देख लेते हैं, अगर ये मान जाता है ना इसमें भी यार हमारा ही प्रॉफिट हो जाएगा। चल भाई ले जा, जल्दी ले जा। पागल हो गया क्या ये भाई? यार टाइम फॉर मी टू गो, नहीं भाई जा मत तू। देखो यार इससे मैं यार ऐसे ही सेल कर देता हूँ। चलो वैसे भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा है इसमें। बाकी डॉज चैलेंजर के लिए ना अभी तक एक कस्टमर नहीं आया यार। यार ऑक्शन तो 3 बजे स्टार्ट हो रहा है बट अभी जो है ना 9 ही बजा हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम है हमारे पास, बट एक आध ना कस्टमर आ जाते तो सही रहता यार। हमारा जो अभी ना उस वाली मर्सिडीज से प्रॉफिट हुआ है वो मेरे को ना सबसे बेस्ट प्रॉफिट लगा है अब तक का भाई। मेरे को लगा नहीं था कि यार वो वाली गाड़ी जो है ना 1 लाख की बिक जाएगी भाई, उसने एक पैसा तक भी ना बार्गेन नहीं किया, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। खैर अभी आया नहीं यार कोई भी, यार कोई तो आ जाओ भाई, इतनी साफ सुथरी गाड़ी लग रही है और अपना एम्प्लॉय भी यार इसको साफ करके गया है अभी अभी। यार कोई तो आ जाओ, ऐसे लोग हैं यार ये कसम से, बड़े ढेट लोग हैं यार, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना अभी यार हम लोग घूमने के लिए चलते हैं नेबर साइड में, क्योंकि कस्टमर तो कोई नहीं है, तब तक हम लोग ना नेबर साइड में घूम के आते हैं। और ऑलरेडी ना यहाँ पे 11 बजने वाला है, तो सब तब तक ना हम लोग यार नेबरहुड में घूम के आ जाते हैं। गाइस आ चुके हम लोग नेबर साइड में, और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा खास कारण नहीं है, बट यहाँ पे ना ये वाली जो कार है ना ये मेरे को नई टाइप की लग रही है, बट यार इसका नाम मेरे को सही से पता नहीं है। ओके GNU पता नहीं कौन सी है। खैर छोड़ो यार, कस्टमर भी आ चुके हैं, यहाँ को और कारें भी देख लेते हैं, बट यार कस्टमर अगर भाग गया तो सबसे पहले ना मैं यार सीधे चलता हूँ ऑफिस में, क्योंकि कस्टमर आ चुका है, अगर वो भाग गया ना तो दिक्कत हो सकती है। तो निकलते हैं सीधा ऑफिस की तरफ। एंड यार अगर वो कस्टमर जो है ना सही प्राइस में अपनी गाड़ी को ले जाता है, मतलब डॉज चैलेंजर को, तो मज़ा आ जाएगा भाई, मतलब प्रॉफिट तो ना अपना अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी 2 कस्टमर आ चुके हैं भाई इस वाली गाड़ी को खरीद, यार ये लोग क्या सिस्टम बना रखा है देख रहे हो, गाड़ी के बीच में घुसा पड़ा है। यही बंदा हमेशा आता है ना, ये ऐसा ही करता है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। यार बात कर लेते हैं, चल भाई ले जा भाई इसी प्राइस 61, तेरी ऐसी की तैसी भाई 61 बोल रहा है यार, कुछ तो प्राइस अच्छा खासा रखो भाई। अंकल तुम बता दो यार सही प्राइस लगाओ कम से कम, ऐसे लोग आ रहे हैं यार क्या बोलूँ मैं इनको। वैसे भी 12 बजने वाला है, इससे थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेंगे हम लोग। रुको एक कस्टमर और आ चुका है, क्या पता ये कुछ अच्छा प्राइस दे दे, क्या पता ये कुछ अच्छा प्राइस दे दे, एक बार बात करके देख लेते हैं। चल भाई तो कोई अच्छा प्राइस यार, भाई यार अच्छा प्राइस, अच्छा 60 ही भाई, इससे अच्छा यही था यार, यही सही है, दाढ़ी वाला इंडियन लुक है इसका। बस थोड़ा बहुत ना इससे बार्गेन करके हम लोग यार 65 तक कर लेते हैं, 65 में तो दे जाए यार कम से कम 65,000। चल भाई ओके, तो ये वाली गाड़ी हमारी बिक चुकी है अभी, और अभी हमारे पास हो चुके हैं 6,58,000 डॉलर। बस अभी मैं सोच रहा हूँ यार हमको ना किसी भी तरह से ना ऑक्शन से या तो फिर कार मार्केट से वो वाली पोर्शे मिल जाए जिसे हम लोग खरीदना चाहते हैं, बट वो काफ़ी महंगी होती है। अभी ना हम लोग यार ऑक्शन में चलते हैं, वैसे यार अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं सोच रहा हूँ ना तब तक हम लोग टिकट खरीद लेते हैं, 2 बजने वाला है, मतलब 3 बजे में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, तब तक हम लोग टिकट खरीद लेते हैं और देखते हैं यार हम लोगों को इस बार कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अगर पोर्शे मेरे को मिल जाती है तो मज़ा आ जाएगा, वैसे बैठ जाए क्या? फाइनली गाइस अभी ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, एंड पहली गाड़ी जो है ना बहुत ही गंदी निकली है, लॉर्ड मस्टैंग ई, जो कि बहुत ही बेकार लगती है मेरे को, बाकी थोड़ी देर हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली यार किसी ने तो खरीदी। अभी ये दूसरी गाड़ी कौन सी निकली है यार, पता नहीं कैसी, लॉर्ड एक्सप्लोरर, ये यार पहले भी थी इसमें, और यार कोई नई गाड़ी तो निकालो कम से कम, तीसरे नंबर पे हो सकती है शायद से, वैसे चौथे नंबर पे तो बहुत ही कम आती है। अब देखते यार कौन सी गाड़ी आती है, यार काश नई गाड़ी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो कुछ तो आई भाई, नई गाड़ी है डॉज चार्जर, भाई यही क्यों आ रही है यार डॉज चार्जर, पता नहीं यार क्या लोग हैं ये लोग,
भाई हमेशा डॉज चार्जर ही लाते हैं। निकलो यार यहाँ से, फालतू का टाइम वेस्ट किया मैंने। खैर अभी सोने के लिए चलते हैं भाई, ऑलमोस्ट 5 बज चुका है, मतलब शाम होने वाली है, तो कंटेनर में चलते हैं, सो जाते हैं। कल सुबह के टाइम में ना हम लोग जो है सीधे कार मार्केट में आने वाले हैं, फिलहाल सो जाते हैं जल्दी से भाई, फालतू का टाइम वेस्ट कर लिया मैंने उसमें। गाइस सुबह हो चुकी है एंड अभी जो है ना कार मार्केट ओपन है, तो सबसे पहले ना मैं कार मार्केट को दौड़ लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे यार काश आज जो है पोर्शे मिल जाए मेरे को भाई। बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन पोर्शे वहाँ पे मिलती नहीं है कभी। अब देखते यार आज काश तो मिल जाए यार, यार मैं यार भाई मिल जाए यार, कहीं तो मिल जाए, बट मेरे ख्याल से आज भी हमको चूना लग चुका है भाई, एक भी पोर्शे यहाँ पे नहीं है। रुको यार भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा यार पता नहीं क्यों होता है ऐसा, बट यहाँ पे एक नई गाड़ी आ चुकी है जो कि शायद से मस्टैंग है, मेरे ख्याल से मस्टैंग ही है ना, पता नहीं कौन सी है। ये देखो लॉर्ड सेल मस्टैंग, जो कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है और अब तक की ना ये शायद से नई गाड़ी है, यही नई गाड़ी है ना। हाँ चलो इसको मैं ख़रीद लूँ क्या, वैसे ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है इसका, ख़रीद सकता हूँ मैं। 6 लाख में पोर्शे मेरे को मिल जाएगी या नहीं ये नहीं पता मेरे को यार, बट पुरानी वाली मस्टैंग को ख़रीद लेते हैं, ये वाली थोड़ा सस्ती है, इसको और सस्ता मैं करूँगा, इसको ना बार्गेन करके हम लोग थोड़ा 52 कर ले क्या, चलो $53,000 कर लेते हैं, मिल पाएगी ना, काश मिल जाए यार इतने में। चलो गाइस अभी ये वाली मस्टैंग अपनी हो चुकी है, एंड मस्टैंग भी ना काफ़ी बढ़िया कार लगती है मेरे को। बाकी ना अभी जो है ना हम लोग चलते हैं ऑफिस की तरफ, नहीं कंटेनर की तरफ, क्योंकि मेरे को सोना पड़ेगा। और ये वाली जो गाड़ी है ना काफ़ी स्पीड चलती है यार, ये देखो इसका जो भाई स्पीड देखो एक बार तुम लोग, लिटरली गाइस ये गंदा हो चुका है अभी मेरे साथ स्कैम। चलो अपनी मस्टैंग को इधर पे रोक लिया मैंने अभी, मस्टैंग बहुत ही गंदी है, बाकी इसको साफ करने में कौन लगा रहेगा, अपना एम्प्लॉय है तो सही यार। चलो अभी सो जाते हैं। गाइस अभी जो है ना मैं ऑफिस में आ चुका हूँ, और मैंने जो है ना इतने सारे दिन स्किप कर लिए क्या बताऊँ यार, और अभी तक ना मेरे को एक बार भी पोर्शे नहीं दिखी है। बाकी आज जो है ना मैं इस वाली मस्टैंग को बेचने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यार लगता तो नहीं कि यार मेरे को पोर्शे मिलेगी, सबसे पहले मैं इसको बेच देता हूँ। बाकी आज जो है ना ऑक्शन ओपन होने वाला है वो भी 12 बजे, तो यार हम लोग ऑक्शन अटेंड करेंगे, सबसे पहले ना मैं इसको बेच देता हूँ जल्दी से भाई। यार ये जल्दी जल्दी सफाई कर ले बस यार, ये क्या कर क्या, ओके ओके उठा रहा है ना, चलो अभी जो है जल्दी से ना इसको सेल पे लगा देता हूँ मैं, ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो सके। बाकी ये 53 की ली थी हमने, और इसको ना मैं यार 95 तक का कर देता हूँ भाई, मिल जाए ना इतने पैसे तो मज़ा आ जाएगा। चलो अभी जो है मैंने यार सेल पे लगा दिया है यार, 12 बजे ऑक्शन ओपन है, तो 12 बजने में ना अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ी देर वेट कर लूँ क्या मैं, रुको यार ये सब उठा लेता हूँ तब तक। चलो भाई काश कोई आ जाए यार आज, भाई यार पता नहीं यार क्यों मेरा किस्मत ऐसा चल रहा है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। यार मैं सोच रहा ना अभी ये वाली सेल तो लगा दी है मैंने, बट मैं ऑक्शन अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑक्शन अटेंड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं जो ना अभी जल्दी से चलता हूँ, फिर से एक दिन स्किप करके आते हैं भाई। मेरे को यार सीधे ना वहीं पर करना पड़ेगा सब कुछ, जितना भी करना है कार मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। वेल आज का दिन जो है ना यार कार मार्केट वाला है, तो जल्दी से कार मार्केट जाके आता हूँ, और उसके बाद हम लोग यार अपनी मस्टैंग को बेच डालेंगे, तब तक शायद से कोई कस्टमर भी आ जाए, देख लेते हैं। बट फिलहाल यार मेरे को पोर्शे चाहिए भाई, जैसे तैसे मिल जाए तो मेरे को मज़ा आ जाएगा, बट यहाँ पे मेरे को कहीं भी नहीं दिख रही है, पता नहीं यार क्यों नहीं आ रही है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इन लोगों ने कुछ चेंज कर दिया क्या इसमें। ओके गाइज यार अभी जो है ना अपने ऑफिस में आ चुके हैं कस्टमर, तो उनसे ना बात कर लेते हैं, अच्छा खासा अगर हमारा प्रॉफिट हो पाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं। चल यार सही सही प्राइस में ले जाए इसको, मेरे को नहीं चाहिए यार ये वाली कार भाई, 95 बोल रखा है, ओह इसी में बाई कर रहा है, चलो भेज देते हैं इसको। ओके तो ये वाली गाड़ी भी ना हमने भेज डाली है, और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट $7 लाख हैं यार, बट हमारे पास कुछ तो है नहीं भाई, इसके साथ ड्रैग रेस कौन करेगा, एक बार देखो यहाँ पे यार क्या फनी मूवमेंट कर रहे हैं यार ये लोग। चलो जल्दी चलते हैं अभी सोने के लिए फिर से। गाइज हम लोग यार भाई बहुत ज़्यादा दिन इसके ऊपर गए, आ चुके हैं फिर से कार मार्केट में, और आज जो है ना मेरे को यहाँ पे एक नई गाड़ी दिख रही है लिटरली, यहाँ देखो एक बार तुम लोग भाई, ये गाड़ी का भाई इसमें ऑडी TT है शायद से, बात करके देख लेते हैं, ये देखो ऑडी RR जो भी है, तो इसको मैं खरीदने का ट्राई करूँगा, सबसे पहले इसका प्राइस देख लेता हूँ, बाकी और गाड़ियाँ भी मेरे को देखनी है। ओके 37,000 है यार, मेरे को कहीं तो मिल जाए यार वो वाली गाड़ी, क्यों नहीं मिल रही है मेरे को यार, जो मैं चाहता हूँ ना वो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों, क्या मुझे ये वाली ख़रीद लेनी चाहिए यार, मैं सोच रहा हूँ इसको ख़रीदने की, बट प्यारी तो लग रही है ये वाली गाड़ी। रुको ये कौन सी गाड़ी है, ये मर्सिडीज़ है शायद से, हाँ ये देखो मर्सिडीज़, जो कि काफ़ी महंगी बिकती है यार, कोई अच्छी गाड़ी तो आ जाए यहाँ पे, अच्छी खासी गाड़ियाँ कोई भी नहीं है यहाँ पे,
तो मैं सोच रहा हूँ ना अभी के लिए ना हम लोग यही वाली गाड़ी को खरीद देते हैं एंड फिर से चलते हैं सोने के लिए कंटेनर साइड में। ओके, मैंने अभी ना बार्गेन करके 35 कर रखा है, तो ये गाड़ी भी ना हमारी हो चुकी है। अब इसको चला के ले जाता हूँ एंड देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। यार वैसे स्पीड मेरे को इसकी ज़्यादा खास नहीं लग रही है, बट शायद से सही है। चलो 64-70 बढ़िया चल रही है गाड़ी। वैसे यार आज हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो आज का जो वीडियो है ना इधर तक रहने वाला है ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।